हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सैमसंग डबल डोर की ड्रेन लाइन कैसे चेंज करें, क्योंकि ड्रेन लाइन मिल जाती है पाइप की कंप्रेसर से जो अटैच होता है कंडेंसिंग से, तो उसके जो पानी में डिप रहता है पाइप वो बन जाता है कॉपर का, तो आज हम वही चेंज करना आपको सिखाएंगे। पहले हमने बैटरी का पाइप तोड़ा यहाँ से, उसके बाद इसका ड्रेन का के अंदर जो पाइप जा रहा है कंडेंसिंग का उसको ऊपर करेंगे हल्का सा। और इसे ट्यूब कटर से काट लेंगे। ड्रेन लाइन का पाइप 5-6 साल बाद ज़्यादातर फ्रिजों के अंदर गल जाते हैं, जिससे कि यहाँ से लीकेज होने की संभावना रहती है हर फ्रिज में, तो इसी कारण ये भी इतना ही पुराना फ्रिज हो चुका है और इसमें पाइप गल चुका है और यहाँ से लीकेज है इसमें, तो इसके लिए हमें यहाँ से इसका हटाना पड़ेगा और इसको ऊपर से भी हमें ट्यूब कटर से कैसे काटना पड़ेगा ऐसे। दोनों साइड से हम कट कर लेंगे, कंप्रेसर से जो पाइप लगा हुआ वो भी और जो फ्रिज के अंदर से कंडेंसर का पाइप आ रहा है वो भी। ऐसे यहाँ से बाहर निकाल लें, आप देखिएगा ये पाइप कितना गल चुका है। यहाँ से गल गल के पतला हो गया है और यहाँ से इसमें लीकेज हो गई है। अब हम इसमें ये नया पाइप लगाएंगे। हमारे पास पाइप जो है थोड़ा मोटा है, तो इसको हम थोड़ा और स्क्वीज कर लेंगे, क्वार्टर का पाइप कहते हैं। आप स्वीज रेती से, नोज प्लास से और इसका टूल आता है स्वीजिंग का, उससे कैसे भी स्वीज कर सकते हैं पाइप को। आपको इसकी जो डैम बनाना है बिल्कुल इस तरीके से बनाना है कि ये हमारा फिटिंग करते टाइम एकदम फिट बैठे ड्रेन के ट्रे के अंदर। और हम पुरानी वाली मैच करके देख रहे हैं, तो पुरानी वाली जैसे थी उसी हिसाब से हम बनाएंगे दूसरी भी है। किस तरीके से बनी हुई है पुरानी। इसे बहुत ही सावधानी से मोड़ा जाता है पाइप को, ताकि ये पूरा मुड़ ना जाए। देखिएगा हम इसको बेंडर आते हैं वैसे इसको मोड़ने के लिए, पर हम इसको हाथ से ही पूरा मोड़ रहे हैं। इस तरीके से मोड़े कि पाइप पंच ना हो बैंड करते टाइम।
दिया उसने, जो फ्रिज के अंदर से पाइप आ रहा था उसके अंदर लगा दिया। दूसरी साइड हम कंप्रेसर के साथ अटैच करेंगे। इसका रोल फ्रिज में होता है कि जो फ्रिज ड्रेन ट्रे के अंदर पानी भर जाता है उसको ये इवेपोरेट करने का काम करता है, जिससे कि अगर हम ये ना लगाएंगे, इसके विदाउट गैस डाल देंगे, विदाउट इसके ड्रेन ट्रे पाइप लगाए, तो ये कटोरा जिसमें पीछे लगा हुआ है जिसमें पानी आता है फ्रिज में 8 घंटे में डिफ्रॉस्ट होके, ये भर जाएगा और फर्श पे गिरेगा। तो इसलिए कंपनी से लगा के देती है, जिससे कि आपके फर्श पे पानी वगैरह ना गिरे और ये पाइप उसको हीट होकर इवेपोरेट करते रहते हैं। अब हम इसका फिल्टर बनाएंगे। जैसा कि हमारे वीडियो में बना के आपको दिखाए थे, पुराना वाला जो है कट कर लेंगे यहाँ से।
कैपिलरी को काट लेंगे। इसके होल को हमेशा ध्यान से देखें, होल पूरे तरीके से खुला होना चाहिए। रेती से रगड़ लेंगे कैपिलरी को, जिससे कि ब्रेकिंग अच्छे से हो जाए। रेती रेक माल आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसको रगड़ने के लिए। अब हम ये फिल्टर कंडेंसिंग लाइन से अटैच कर देंगे और से भी ब्रेजिंग करके जोड़ देंगे। Thank you.
कैपलरी वाली साइड लगा लेंगे इसमें। और इसे भी यहाँ पे वेल्ड कर देंगे। इसके बाद हम फ्रिज को ऑन करेंगे। RT26 मॉडल जो PCB वाला फ्रिज है, इसमें कई बार सेंसर थोड़ी सी भी कूलिंग अगर सेंस कर लेगा तो वह हीटर मोड पे चला जाता है और कंप्रेसर ऑन नहीं होता जल्दी से इसका। तो इसके लिए अगर आपको इसका कंप्रेसर ऑन करना है जल्दी सेंसर, तो एक अलग से दूसरा सेंसर इसका लगा कर देखेंगे, कूलिंग कॉइल वाला सेंसर बाहर निकालेंगे, और अगर आपके पास सैमसंग का दूसरा सेंसर पड़ा है तो वो इसमें लगाएंगे तो कंप्रेसर जल्दी इसका चालू हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको वेट करना पड़ेगा करीबन 15 से 20 मिनट के आसपास, जब तक मैं इसमें दूसरा सेंसर लगाऊंगा तो ये चालू हो जाएगा। अभी मैंने लगा दिया है दूसरा सेंसर और ये कंप्रेसर इसका चालू हो चुका है। और इसमें एंटी चॉक हम डालेंगे, ये एक फ्रिज के लिए एक एंटी चॉक बहुत रहती है। अब हम फ्रिज में जितनी गैस इसमें लिखी होगी उस हिसाब से इसमें गैस रिफिल कर देंगे। हर फ्रिज की जो गैस होती है वो हर फ्रिज के ऊपर मेंशन होती है।
हमारा फिल्टर का टांका लग चुका है, अभी इसमें गैस रिफिलिंग का प्रोसेस चालू करेंगे। जब गैस रिफिलिंग लगे आपको कि हाँ कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद इसका डिस्चार्ज का पाइप देखेंगे, वो हीट होने लग जाएगा, कंडेंसिंग वाला जो आपने जलेबी बना के लगाया था, इसमें ड्रेन ट्रे के अंदर जो पाइप लगाया था वो पाइप हीट होने लग जाएगा। तो हमारा गैस रिफिलिंग का काम इसमें कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसे यहाँ से पंच कर देंगे। और ट्यूब कटर से जितनी इच्छा उतना काट के ये हमारा एंड पॉइंट होता है चार्जिंग का। चेंज करने का काम खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।